प्रेसिडेंट जॉन मिस्टर राव की बातें सुनकर अपसेट हो जाते हैं। मिस्टर राव कहते हैं, हेलो ब्रदर साहब, क्या आप ठीक हैं? मिस्टर राव मन में सोचते हैं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहिए था जो नहीं कहा जाना चाहिए। इन लोगों की मैरिज को 7 साल हो गए। जॉन शिनफी ने एक्चुअली इस मैटर को अपनी वाइफ के सामने मेंशन नहीं किया। प्रेसिडेंट जॉन कहते हैं, ये कुछ भी नहीं है, कुछ देर पहले ही मैंने एक अच्छी ड्रिंक पी थी, मैं भी वॉशरूम जाता हूँ। प्रेसिडेंट जॉन वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर राव घबराते हुए बोलते हैं, नहीं, मुझे दाफी को ढूंढना होगा। मिस्टर राव मिस्टर जान के शोल्डर पर हाथ रखते हैं। मिस्टर जान कहते हैं, राव शीटिन। मिस्टर राव मिस्टर जान से कहते हैं, इधर आओ। मिस्टर राव मिस्टर जान से पूछते हैं, एलो ब्रदर फी, क्या आपने एलो ब्रदर राव को अपने हाई स्कूल मेल को अपने फर्स्ट लव के बारे में बताया? मिस्टर जान मिस्टर राव से कहते हैं, वे इसके बारे में बहुत पहले से जानता है। मिस्टर राव मिस्टर जान से कहते हैं, क्या तुमने कुछ ऐसा कहा जो तुम्हें नहीं कहना चाहिए था? क्या तुमने अदर्स को कंप्यूटर प्रोग्राम कन्फेशन के बारे में बताया? मिस्टर जान मिस्टर राव से कहते हैं, कहने को कुछ नहीं है, वह सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट है। मिस्टर राव बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, क्या? मिस्टर राव मिस्टर जान से पूछते हैं, तुमने फैमिली की यंग मास्टर को सब्स्टिट्यूट बना दिया, तुम ये कैसे कर सकते हो? मिस्टर जॉन स्मिथ करते हैं और कहते हैं, वे अपने हार्ट में इसके बारे में बहुत क्लियर है। मिस्टर राव बहुत शॉक हो जाते हैं और मन में सोचते हैं, क्या एलो ब्रदर्स और इसके बारे में जानते हैं? प्रेसिडेंट जॉन घर पहुंच जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड बोलता है, मिस्टर जॉन आप अकेले क्यों वापस आए? प्रेसिडेंट जॉन अंदर जाते हुए बोलते हैं, वे अपने परिचितों के साथ स्क्वाश खेलने के लिए क्लब गया, मैं बेसमेंट में जा रहा हूँ, तुम बस अपना काम करो, मेरे पीछे मत आओ। बटलर कहते हैं, यस सर। प्रेसिडेंट जॉन बेसमेंट में आ जाते हैं और मिस्टर जॉन के पुराने स्टोर रूम की तरफ देखते हैं। प्रेसिडेंट जॉन हेजिटेट करते हैं और मन में सोचते हैं, ये जॉन शिनफी का प्राइवेट एक स्टोर रूम जहाँ उसने अपने यूथ के सभी सीक्रेट्स छुपाए थे। मैंने ऑलवेज उनका सम्मान किया है, हमारी मैरिज को 7 साल हो रहे हैं और मैंने एक बार भी इस कमरे में एंटर नहीं किया। प्रेजेंस अपना सिर पटर लेते हैं और मन में सोचते हैं, पर अब प्रेजेंस रोने लगते हैं और मन में सोचते हैं, जॉन शिनफी ने इन वर्षों में मुझे जो टेंडरनेस दिखाई, वह मेज इट सेम है। चीजें जैसे एंड होगी, मनी को वापस किया जा सकता है और टाइम को कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन उसे जो प्यार मिला उसके बारे में क्या ख्याल है? प्रेसिडेंट जॉन शाय करते हैं और अपने आंसू वाइप करते हैं। प्रेसिडेंट जॉन मन में सोचते हैं, मिले ही रूम को खोलने के बाद कॉन्सिक्वेंसेस अनप्रेडिक्टेबल हूँ, मैं अब अंदर जाकर देखना चाहता हूँ। प्रेसिडेंट जॉन अलग अलग पासवर्ड यूज करते हैं जो गलत होते हैं। प्रेसिडेंट जॉन मन में सोचते हैं, पासवर्ड क्या होगा? प्रेसिडेंट जॉन अपने बर्थडे की डेट से ट्राई करते हैं और डोर खुल जाता है। प्रेसिडेंट जॉन रूम में एंटर करते हुए सोचते हैं, वे रूम जहाँ व्हाइट मूनलाइट का सीक्रेट छुपा है, लॉक डोर का करंट पासवर्ड मेरा बर्थडे, मुझे अजीब क्यों लग रहा है? रूम में बहुत सारी चीजें होती है। प्रेसिडेंट जॉन रूम में रखी एक सूटकेस को खोलते हैं और मन में सोचते हैं, ये फाउंटेन पेन और इरेजर थोड़े फेमिलियर है। प्रेजेंट जॉन वुड उठाते हैं और उसमें प्रेजेंट जॉन की हाई स्कूल की बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं। प्रेजेंट जॉन अपनी पिक्चर्स देख के हंसने लगते हैं और मन में सोचते हैं, दूसरे शब्दों में जानता था यह लड़का मुझे हाई स्कूल के समय से ही जानता था, उसके सो कॉल्ड फर्स्ट लव, उसके हाई स्कूल मेल गोल को उस समय जावयान कहा जाता था। प्रेजेंट जॉन अपने फाउंटेन पेन को टच करते हैं और मन में सोचते हैं, मुझे याद है, क्या ये वही नहीं है जो मैंने अपने हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में यूज किया था? मैंने गलती से इसे अपस्टेयर से गिरा दिया और फिर ये स्ट्रेंथली ड्राइव हो रहा है, और ये क्या वे सभी चीजें नहीं है जिन्हें मैंने यूज किया? प्रेजेंट जॉन की वर्क बूट्स और पुरानी रंदी यूनिफॉर्म को दिखाया जाता है। प्रेजेंट जॉन की तरफ देख कर बोलते हैं, मुझे याद है, क्या ये वही नहीं है जिसका यूज मैंने तब किया था जब मुझे हाई जंप में पार्टिसिपेट करने के लिए फोर्स किया गया था? प्रेसिडेंट जॉन को याद आता है कि स्टिच से उनकी प्राइवेट पार्ट पर चोट लगी थी और ये याद कर प्रेसिडेंट जॉन एम्बैरेस्ड फील करने लगते हैं और कहते हैं, ऑल राइट जान दादा, मैं तुम्हारे जाने का वेट करूंगा।